नमस्कार भव्य श्री न्यूज मैनू को। आधुनिक भारत के लोग अपनी कौशलता दिखाने में इतना मग्न हो गए कि मानो अपनी संस्कृति को ही भुला बैठे। आने वाले कल में पैर को आसमान की तरफ केंद्रित कर लोग सड़कों पर चलना पसंद करेंगे। आने वाले कल में शायद यह भी एक कौशल साबित हो। हम तो बहुत दुखी हुए इस वीडियो को देखकर। शायद बहुत लोग हुए होंगे, कुछ ने कहा, कुछ खामोश रह गए। यह हमारी सोच है। किसी भी धर्म का अपमान होना मन को खंडित करता है। इस वीडियो में कौशलता नहीं, अपमान देखने को मिला। आज के युग में युवा व बच्चे अपनी शक्ति व ताकत कहाँ दिखा रहे हैं, देखकर आचंभित हैं हम। 12 प्रकार के शस्त्रों के वर्णन में हमारे भारत में धनुष का स्थान सर्वोपरि माना गया है। संपूर्ण धर्म योग और विद्याओं का आरंभ भगवान शंकर से हुआ और अंत भी उन्हीं से। भगवान शिव ने जिस धनुष का निर्माण किया था वह इतना शक्तिशाली था कि उसकी टंकार से बादल फट जाया करते थे। इसी धनुष से मारे गए तीर ने त्रिपुरासुर के तीनों नगर को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम था पिनाक। रामायण में इसी धनुष का वर्णन है। यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित था, जिसे भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर माँ सीता के स्वयंवर के समय उठाया था। इस कहानी से सभी वाकिफ हैं, मगर गौर करने की बात है कि जब जब किसी महान पुरुष ने धनुष चलाया तो सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क पर चढ़ाया और भगवान शिव को दिया। धनुष बाण हमारी धरोहर है। इसका इतना बड़ा अपमान जहाँ एक स्वस्थ महिला ऐसे कपड़ों को पहनकर अपने पांव से धनुष पकड़कर तीर चलाया और ट्विटर पर डाल दिया, शोहरत हासिल के लिए यह कैसी दौड़ जो दर्द दे अपनों को। यह तो ठीक है, वैसा ही जैसा कि हाल ही में भगवान शिव और माँ पार्वती को सिगरेट पीते हुए किसी ने ट्विटर पर दिखाया, वहीं माँ काली को भी अपनी आधुनिकता में शामिल कर लिया। इस वीडियो को देखकर क्या कहें हम। एक चींटी समुद्र को कम करने के लिए कदम बढ़ा रही है, या फिर खैर हम बस इतना कहेंगे कि आसमान में देखकर सड़क पर मत दौड़िए, यहाँ ट्रैफिक